trusted officers, junior commissioned officers, Bahadur Jawanon, ladies, families, और उपस्थित मीडिया पर्सनल, आज का इस शानदार परेड के लिए मैं 122 कर्नूल पोस्ट के एक्स सोल्जर्स, परेड एडजुटेंट, परेड कमांडर, सभी उस्ताद और स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ। आज तकरीबन 36 साल के बाद मेरे को एक पासिंग आउट परेड देखने का मौका मिला है और मुझे बताने में खुशी है कि आज की जो परेड का स्टैंडर्ड बहुत अव्वल रहा था। शाबाश, वेल डन। आज आपकी रिक्रूट ट्रेनिंग पूरी करके एक सैनिक जीवन में पहला कदम रख रहे हो। आज आपके लिए एक बहुत अहम दिन है और इसके लिए मैं आप सभी को और आपकी माताओं को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज मुझे पता है कि आपकी माता पिता इधर नहीं है कोविड की वजह से, बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज उन सबको तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को सही प्रेरणा और शिक्षा और संसार देके इस हालत तक आपको लेके आए। आज आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपका हर कदम हर काम उनका नाज हो। जैकलिन रेजिमेंट, जैकलिन जो रेजिमेंट है उसका इतिहास बहुत अव्वल दर्जे का है। ये रेजिमेंट 1948 के ऑपरेशन 1962, 1965, 1971, 1999 की जो कारगिल ऑपरेशन है और उसके बाद और कई एक्शनों में हिस्सा लिया है और हर काम में वो सफलता प्राप्त हुआ है। ये सफलता तब प्राप्त होता है जब एक रेजिमेंटल सेंटर उनको एक अच्छा फाउंडेशन देता है जो आज मेरे को देखने को मिल रहा है। इस फाउंडेशन की बदौलत लड़ाई के अंदर उनको कामयाबी हासिल होता है। रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान आपको कई चीज़ की ट्रेनिंग दिया गया है जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस हो, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, मैप ट्रेनिंग हो, नेविगेशन हो। मुझे यकीन है कि आपको इधर जो वक्त बिताने का टाइम मिला है आपने उसका पूरा सहयोग और पूरा उसका इस्तेमाल किया है और एक अच्छा सैनिक बनने के रास्ते में आप आगे चल रहे हो। आप सबसे उम्मीद मैं यही करता हूँ कि इस ट्रेनिंग की बुनियाद पर आप एक अच्छे सोल्जर, एक कॉन्फिडेंट सोल्जर बन के आपकी यूनिट के अंदर आज प्रवेश कर रहे हैं। आगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपकी यूनिट की ऑपरेशन रोल के हिसाब से आपको इसके आगे एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि आप एक सेक्शन के अंदर सही काम करने लायक हो। एक अच्छा सोल्जर के अंदर हम क्या गुण देखना चाहते हैं? उसके अंदर करेज हो, कॉन्फिडेंस हो, डिसिप्लिन हो, फिजिकल फिटनेस हो और दिमाग के तौर पर तगड़ा हो और सबसे इम्पॉर्टेंट है सहन शक्ति हो। सहन शक्ति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब आगे इलाके में जाएंगे आपको कई मुश्किलों को पार करने की जरूरत है और उस वक्त आपकी सहन शक्ति काम आएगा। आप सभी जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले हैं और आपको इधर के हालात के बारे में जानकारी है। आज मैं अपील करना चाहता हूँ हमें मिलकर इस जन्नत को दहशतगर्दी की जाल से निकालना है और हमें बहके हुए नौजवानों को वापस परिवार में शामिल करना है और इसमें जो भी कोशिश हमने करना है वो करना जरूरत है। आप अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी की विशेष ध्यान दें, सैनिक धर्म के मार्ग पर चलते रहें और किसी प्रकार के दबाव का शिकार ना बने। आज मौजूद सभी फैमिलीज और नौजवानों को मेरा पैगाम है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने माता पिता की आज्ञा के पालन करें और सोसाइटी में एक जिम्मेवार सिटीजन बने। मेरे खुदा से यही दुआ मांगूंगा कि आप सब लोग खुश रहें और ज़िंदगी में तरक्की करें। आने वाले समय में
हमारे देश में काफ़ी चुनौतियाँ हैं। आने वाले समय में इंडियन आर्मी को एक प्रोफेशनल सोल्जर की ज़रूरत है, और प्रोफेशनल सोल्जर के साथ साथ एक सच्चा इंसान की जरूरत भी है। जब भी आपको कोई टास्क मिलता है तो सही तरीके से करना है और सही हिसाबों से करना है। आज मुझे बहुत गर्व है सिनार कोर कमांडर होते हुए आज इस शानदार परेड में मेरे को शामिल होने का मौका मिला है। आखिर में मैं दोबारा जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, परेड कमांडर, परेड एडजुटेंट, जितने रिक्रूट्स हैं और जितने भी इधर की स्टाफ है, एक शानदार परेड प्रस्तुत करने के लिए आप सबको दोबारा बधाई हो और शाबाशी देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और जय हिंद।